जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग हो सकती है, हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था और मैंने आपको बताया था कि हमारा देखिए ऊपर की साइड ये वाला जो लेवल था, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख के दिखाना चाहूँगा, जो कि देखिए हमारा देखिए 51,500। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंट का काम करता है ठीक है मार्केट के अंदर। लेकिन अब हुआ क्या कि 9:15 पे अगर आप देखोगे तो 9:15 पे देखिए हमको एक बड़ा गैप देखने वाला। ठीक है, जैसे कि हमने डिसाइड किया भी था कि गैप देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 9:15 का अगर आप ये वाला कैंडल देखोगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया, गैप से ओपन होने के बाद ही अगर आप देखो तो लास्ट ये शार्प हमको एक सेलिंग देखने वाली। साफ सेलिंग होने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ एक हमको इस जगह देखिए एक इस जगह डोजी कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। डोजी कैंडल के बाद देखिए थोड़ा और शार्प आया, फिर देखिए जो इस जगह देखिए सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो गैप था वो ऑलमोस्ट देखिए गैप आपका ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 15 मिनट के अंदर आपका देखिए गैप आपका फिल हो चुका था। जैसे ही आपका गैप देखने वाला उसके बाद देखिए 15 मिनट में आपका गैप फिल हो चुका था, क्योंकि 5 मिनट की जो कैंडल बना था वो पूरे गैप को फिल कर दिया था। उसके बाद देखिए कुछ एसएल खाने के लिए ऊपर गया, फिर वहाँ से एक शार्प सेलिंग हमको देखने वाली, जो कि ऑलमोस्ट देखिए अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे देखिए प्रीवियस डे का जो इस जगह क्लोजिंग था उसके आसपास देखिए हमने यहाँ पे क्या मारा, लो मारा। ठीक है, लो मारने के बाद फिर एक इस जगह देखिए हमको हाई देखने वाला। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक डब्लू पैटर्न भी बनने की कोशिश हुआ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए सेलर आपके एक्टिवेट थे। ठीक है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट थे और मॉर्निंग में क्या किया, मॉर्निंग में अगर आप देखो तो सेलर के ही देखिए इस जगह एसएल खाने के लिए मार्केट ऊपर की साइड आपका गैप के साथ ओपन हुआ। ठीक है, जब मार्केट में रहा, अब देखिए आपका मॉर्निंग में भी लोगों ने देखे यहाँ पर सेलिंग करने के बाद देखिए पैसा बनाया होगा, यहाँ पर भी सेलिंग करने के बाद पैसा बनाया होगा, और नीचे जो आपका बाइंग का लेवल था उस जगह देखिए लोगों ने अगर बाइंग किया होगा तो एक अच्छा खासा पैसा उस जगह भी बना होगा। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे हुआ, दिक्कत हुआ देखिए यहाँ पे 12 बजे पे। अब 12 बजे क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ये पूरा जो जोन था ये आपका साइडवेज जोन था। ठीक है, यहाँ पे और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि अभी तक देखिए मार्केट कर क्या रहा है, कि मार्केट में अगर आप लेवल टू लेवल आप ट्रेड करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करना है या तो वो ट्रेड आप शुरू में कर लीजिए 9 बज के लेके आपका 11 बजे तक आपका ट्रेड हो जाना चाहिए, या आपका 10 बजे से पहले पहले आप जो भी ट्रेड है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप 2 बजे के बाद ट्रेड कीजिए। ठीक है, जो भी आपके पैटर्न मिल रहे हैं मार्केट के अंदर 2 बजे के बाद ट्रेड कीजिए, और जो बीच का मार्केट है उसमें अभी ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए बीच के मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका पूरा रेंज बाउंड हो जाता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये गैप के साथ ओपन हो गया तो आज के दिन क्या हुआ, 5 मिनट की कैंडल इस टाइप की बनी। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक डोजी कैंडल बन गई। डोजी कैंडल क्या बताता है कि भाई मार्केट यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे तो डोजी कैंडल के बाद भी एक बड़ा कैंडल बन गया था सेलिंग वाला। ठीक है, जितने लोगों ने देखिए यहाँ पे सेलिंग किया, हमेशा मार्केट क्या कहता है, आप लोगों को फंसाता है। जैसे ही आपने सेलिंग किया वहाँ से देखिए कुछ बाइंग आ गया, और बाइंग आने के बाद देखिए फिर से हमको सेलिंग देखने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लास्ट में देखो तो एक डब्लू पैटर्न देखने वाला, और लास्ट में अगर आप देखो तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड एक हमको तेजी देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अब हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर बॉक्स टेक्निक हो रहा है। ये अभी तक हमारा देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, ये हमारा रेजिस्टेंट था, लेकिन अब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो ये अब हमारा क्या है, ये हमारा सपोर्ट बन चुका है, जो कि आपका 51,400 के आसपास। ठीक है, अब देखिए अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो लाइक करने से 2 बेनिफिट होता है। ठीक है, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा इस जगह देखिए मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हो, आप वीडियो को देखिए इस जगह लाइक कर रहे हो, और दूसरा अब क्या हो चुका है यूट्यूब के अंदर कि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब को समझ में आता है कि वीडियो की क्वालिटी क्या है, जो नॉलेज है वो क्या है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए लाइक किया करो,
और आप कमेंट भी किया करो जो भी आपके सवाल हैं, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को परेशानी होती है तो आप लोग ही उनकी मदद कर देते हो कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, मैंने ये किया था, आपने क्या लिया, आपस में आप बात कीजिए, जिससे एक क्या होता है, एक हेल्दी देखिए एक जगह ग्रुप बनता है, ठीक है। आप लोग आपस में बात करो तो हेल्दी आपको चीज़ें समझ में आएगी, और बिल्कुल कमेंट किया करो। अब यहाँ पे एक और चीज़ अपन समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जाके देखिए यहाँ से आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। और ये हमारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं एक और चीज़ आपको इस जगह दिखाना चाहूँगा कि अगर निफ्टी का अभी तक अगर आप देखोगे तो देखिए निफ्टी में देखिए लगातार आपको ग्रीन क्लोजिंग इस जगह देखने को ली। देखिए 14 तारीख को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आज 13, ठीक है। लगातार अगर आप देखो तो 13 दिन हो चुके हैं, और 13 दिनों से देखिए लगातार हमको इस जगह एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार देखिए अगर आप देखो तो कुछ पॉइंटों के साथ ही हमको इस जगह क्लोजिंग पॉजिटिव देखने वाली, लेकिन अगर मैं इस जगह बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो तो लगातार देखिए पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे 28 तारीख को हमको एक सेलिंग के साथ इस जगह क्लोजिंग देखने वाली, 23 तारीख को भी देखने वाली थी, और 21 तारीख को, ठीक है। और फिर देखिए इस जगह 29 तारीख को, यानी अगर आप देखो तो एक दिन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। तो अब इस हिसाब से क्या हो सकता है, कल नेगेटिव क्लोजिंग हो सकती है, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताना, ठीक है। ये पैटर्न चल रहे थे जो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे मैं इस जगह ऑप्शन चेन के बारे में तो बात करूँगा। जैसे ऑप्शन चेन के डेटा पे अगर आप देखो तो ऊपर की साइड हमारे जो 51,500 का लेवल है वो हमारे इस जगह रजिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट जा तो ऊपर आया, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ देखिए हमको ऊपर की साइड ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से अगर आप देखो एक अच्छा चैनल है, ठीक है। लेकिन चैनल के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 51,500, और पोजीशन कितनी दिखाई दे रही है 49 लाख के समथिंग, ठीक है। और पुट में कितना दिखाई दे रहा है 28 लाख 29 लाख के समथिंग, यानी यहाँ पे क्या है, सेलर बैठे हुए हैं इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है कि अगर ये आपका देखिए गैप के साथ ओपन हो जाता है, क्योंकि अभी देखिए इस जगह हमारी क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, हमारा क्लोजिंग हुआ है 51,439 पे, ठीक है। लेकिन अब अगर देखिए ये आपका गैप के साथ ओपन होता है, या आपका देखिए थोड़ा साइडवेज हो जाता है ओपन, और साइडवेज ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की साइड आपका 51,500, ठीक है, इस लेवल को अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है, किस कैंडल को हमको देखना है, तो हमको कैंडल जो देखना है वो 30 मिनट के कैंडल देखना है। 30 मिनट के कैंडल में क्या देखना है कि हमारा ओपनिंग नीचे की साइड हो, यानी ये कैंडल है ओपनिंग आपका नीचे की साइड हो, क्लोजिंग इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए जो कि हमारा जे वाला जे प्राइस है, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो फिर हम इसके अंदर अप साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि आपका 51,600, 51,700, 51,800 और आपका 51,950, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ तक क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंट वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये चीज़ें समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन चेन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखिए ये वाला जो लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बेटिंग बात करें तो एक अच्छी खासी बेटिंग है। अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर टाइम वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टाइम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंट का लेवल है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ये हमको रेजिस्टेंट का लेवल यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर ये इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो आपका ऊपर की साइड आप ऑलमोस्ट यहाँ तक जाने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब नीचे की साइड हमको क्या ही दिखाई दे रहा है, तो नीचे की साइड अगर आप देखो तो सीधे हम नीचे की साइड अगर आते हैं तो ये वाला जो प्राइस है हमारा जो कि ऑलमोस्ट 51,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है कि एक तो ये आपका यहाँ पे ओआई डेटा काफ़ी अच्छा है पुट साइड का, और दूसरा बेनिफिट ये है कि ये एक साइकोलॉजी प्राइस है, तो साइकोलॉजी प्राइस में हमेशा बायर बैठे हुए करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, ठीक है। अब जैसे ही देखिए मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, तो 15 मिनट के चार्ट पे देखिए इस ट्रेड लाइन को हमने पहले भी देखिए यहाँ पे लगाया था, जो कि अपने लो से इस ट्रेड लाइन को अभी भी देखिए ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है।
ऊपर से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखें आपको ये हमको देखे ऊपर की साइड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसे ही देखिए मैं इसको 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट पे अभी भी देखिए काफ़ी अच्छा है। और ऊपर से देखिए अब इस जगह देखिए मैं एक और इसमें ट्रेंड लाइन लगाता हूँ जो कि ऊपर के लेवल से, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये वाला देखिए, ये वाला प्राइस से मैं इसको मैच करूँगा तो यहाँ पे जो इसका ब्रेकआउट हुआ था इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये ऊपर जाने की कोशिश करा, और यहाँ पे अगर हमें इसमें रेजिस्टेंट वाली प्राइस देखते हैं तो रेजिस्टेंट वाला प्राइस हमको ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है, जब ये सेलिंग में आ रहा था यहाँ से अगर आप देखो तो लगातार ये सेलिंग को आ रहा था, लगातार देखिए यहाँ पे सेलिंग दिखाई दिया, और इसी वाली ट्रेल लाइन का देखिए जब इसने इस तरीके से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे अगर आप देखो इस तरीके से इसने ब्रेकआउट किया तो ये अब लगातार ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। ये लगातार देखिए यहाँ पे हमको अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब देखिए यहाँ पे जब इसमें ये पैटर्न बने थे, देखिए 1, 2 और 3, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो लगातार देखिए यहाँ पे क्या थे, सेलर बैठे हुए थे। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऊपर जाएगा जो कि मैंने आपको बोला है, लेकिन ऊपर की साइड फिर हमारे पास रेजिस्टेंट कहाँ पे है, तो 51,950 से लेके आपका 51,950 से लेके 50,200 से लेके आपका इस जगह तक, ठीक है, ये वाला जो प्राइस है यहाँ तक हमको ऑलमोस्ट इस जगह रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा जो कि ऊपर की साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे ये आपका जो 150 पॉइंटों का जो प्राइस है, ये आपका जो 150 पॉइंटों के आसपास का जो रेंज है जो कि आपका 51,950, 52,010 के अंदर जो आपको देखिए इस जगह देखने को मिलेगा। मैं शायद इसमें हमने ऑप्शन चेन के अंदर क्या देखा था थोड़ा उसको और देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर जो डेटा था 52,100, हाँ 52,100, तो यहाँ पर 3.4 का आ रहा है, ठीक है। अब इस पे अपन चलते हैं, 52,100, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका ये 150 पॉइंट वाला जो रेंज है ये आपका क्या है, रेजिस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आता है या गैप के साथ ओपन हो जाता है तो हम सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पॉजिटिव कब तक रहेंगे मार्केट के अंदर, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जी आपका जो चैनल बना हुआ है ना, इस चैनल के देखिए या तो ये अपसाइड निकाल दे, तो मैंने आपको बोला कि अपसाइड अगर ये निकालता है तो ऑलमोस्ट आपका देखिए यहाँ पे 600 से लेके 700 पॉइंटों का हमको अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डाउन साइड निकालता है तो डाउन साइड हम कहाँ पर इस जगह मूवमेंट देख सकते हैं डाउन साइड का, तो आपका 51,300 जब तक ये इसके ऊपर है जब तक आपको देखिए कोई भी चिंता वाली बात नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन ये इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा जो कि आपका 51,300 जब भी हम इसके अंदर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और मैं तो आपको यही बोलूँगा कि 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तो 9:15 से लेके ऑलमोस्ट इस जगह 10:15, ये आप ज़्यादा समझते हो मार्केट को तो 11:15, ठीक है, यहाँ तक आप ट्रेड कीजिए और फिर मार्केट को वॉच कीजिए, मार्केट करना क्या चाह रहा है, कैसे देखना चाह रहा है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर वो देखिए, आराम से बैठिए। फिर आपको जो एक्टिवेट होना है वो ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 2 बजे, ठीक है, 2 बजे एक्टिवेट होइए, 2 बजे आप देखिए मार्केट में क्या हो रहा है और उसके बाद मार्केट को वॉच कीजिए। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि बहुत छोटी रेंज में इस जगह मार्केट काम कर रहा है, और छोटी रेंज का मतलब है कि ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा खतरा, ऑप्शन बायर के लिए इतना बड़ा खतरा होता है छोटी रेंज कि अगर आपने बाइंग किया और बुक नहीं किया तो वो पूरा पैसा आपका ले जाएगा। आपने देखा होगा आज के दिन भी, देखिए आज के दिन हो क्या रहा था कि आज के दिन कैंडल काफ़ी अच्छी बननी थी, कैंडलों में काफ़ी अच्छे मूव आ रहे थे, लेकिन पीएम के अंदर मूव नहीं देखने को मिले थे। अगर कैंडल के अंदर अगर आप इंडेक्स के अंदर देखो ना, तो इंडेक्स के अंदर आपको 30 से लेकर 40 पॉइंटों का मूव काफ़ी अच्छा आ रहा था, लेकिन अगर मैं पीएम के अंदर बात करूँ ना तो पीएम के अंदर देखिए यहाँ पे 5 से लेकर 10 पॉइंटों तक का मूव नहीं आ रहा था, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाता ना तो वो ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है और ऑप्शन सेलर के लिए एक बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर अभी ये समझिए हमको 2 रूल समझना है कि एक तो देखिए यहाँ पे अपसाइड कब तक है, डाउन साइड आएगा तो वो किस प्राइस के नीचे आएगा, और दूसरा जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ से अपसाइड ही जाता हुआ दिखाई
दे रहा है। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई दी है। अगर ये थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारे लिए देखिए ये नीचे वाला ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, जो कि हमारा 51,000 का, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ पे हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 51,000 से लेके आपका 51,900, ठीक है, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है ये हमारे लिए बाइंग वाला पे रह जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।